नमस्कार, मैं जेपी यादव और आप देख रहे हैं फिर अपडेटेड न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां नव निर्मित पुलिस सहायता केंद्र का डीएम व एसपी ने किया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने नव निर्मित शंकरपुर चौराहा पुलिस चौकी का किया लोकार्पण। स्थानीय लोगों तथा जन सहयोग से उक्त पुलिस चौकी का हुआ निर्माण। जनपद बहराइच के थाना क्षेत्र मटेरा के शंकरपुर चौराहे पर नव निर्मित पुलिस चौकी का लोकार्पण मंगलवार को डीएम व एसपी द्वारा किया गया। पुलिस चौकी की उपयोगिता पर एसपी केशव कुमार चौधरी ने कहा कि अब छोटे मोटे अपराधों व अपराधियों पर नियंत्रण पाने में आसानी होगी। क्षेत्रीय जनता की शिकायतों का निस्तारण भी आसानी से हो सकेगा। उन्हें थाने पर जाने से पहले ही पुलिस की मदद मिल सकेगी। चौकी पर तैनात दरोगा और सिपाही एक सूचना पर तुरंत मौजूद होंगे। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार, क्षेत्राधिकारी नानपारा डॉक्टर जंग बहादुर यादव, थाना मटेरा प्रभारी निरीक्षक राम धवन मौर्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक अग्रवाल, उप निरीक्षक राजेश दुबे, हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल अजय यादव, हेड कांस्टेबल सुभनाथ यादव, हेड कांस्टेबल सुशील मिश्रा, कांस्टेबल केसरी नंदन पटेल, मुख्य संपादक विराय बंडे न्यूज इस्माइल अंसारी जी, मंडल ब्यूरो चीफ सफीक खान, जिला मीडिया प्रभारी मकसूद रजा, जिला पंचायत सदस्य गुलाम जाकिर, प्रधान जो कहा आरिफ खान, पूर्व प्रधान शकील अमीन मुमताज, फरमान बाबर, डॉक्टर अनवारुल रहमान खान, हारून खान, इसरार खान, प्रेम सिंह, विनय कुमार, बबलू सिंह आदि स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना मटेरा के अंतर्गत चौराहा पर थाने भी है और यहाँ पर अभी पुलिस जो कि ये थाना मटेरा में आता है और बहराइच के तरार डॉक्टर दिनेश चंद पानी बात करना चाहूँगा कि यहाँ के जनता की क्या देना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज अच्छी पुलिस व्यवस्था देने के लिए जनपद के बहुत ही लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार चौधरी द्वारा एडिशनल एसपी बहराइच ग्रामीण सीओ नानपारा और प्रभारी निरीक्षक अटेरा द्वारा यहां पर काफ़ी दिनों से मांग थी कि यहां पुलिस चौकी स्थापित की जाए। उसी क्रम में जन सहयोग से आज यहां पर कार्यक्रम हुआ है और साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता है कि यहां के नागरिकों द्वारा जो हर घर तिरंगा का आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी पूरा सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त किया है। मैं उन्हें एक बार आज ये थाना मटेरा का शंकरपुर चौराहा है जहाँ पे जन सहयोग से ये पुलिस बूथ का निर्माण हुआ है। यहाँ पर चूँकि ये एक सेंसिटिव प्लेस है, काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पर 24 घंटे पुलिस की उपस्थिति जो है वह अपरिहार्य रहती है। तो ये जो पुलिस बूथ का निर्माण हुआ है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के दृष्टिकोण से यह एक अच्छा सराहनीय कदम है जो जनता के सहयोग से कराया गया है। और जो बहराइच की पुलिस है, जो मटेरा पुलिस है, वो यहाँ की जनता की सेवा के लिए, उनकी मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, तत्पर रहेगी। ये जो है इस बुध से जो है ये इस प्रकार का लाभ जो है यहाँ लोगों को मिलेगा और जो है यहाँ की कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। चलिए, कलीम भी, अब्दुल हमीद भी आगे बढ़े हैं और सुभाष चंद्र बोस भी, चंद्रशेखर आजाद भी, तो यही हमारा हिंदुस्तान है। हम सबको मिलकर राष्ट्रीय तिरंगे को 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर फहराना है। धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगे के लिए। और वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। लो भाई, ये झंडा उसको दिया जाता है जो सुरक्षित रखेगा इसको लगातार। लो भाई, लो दीजिए। बहुत दिन से लोगों की मांग थी कि यहाँ पर हमारे जो पुलिस जाबाज सिपाही इधर उधर भटक रहे थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और सबके सहयोग से जो पुलिस सहायता केंद्र बनी है। और मैं अपने बीच पाकर के अपने जिला अधिकारी महोदय और अपने एसपी साहब का, सीओ साहब का, एसओ साहब का और सभी
पुलिस कर्मियों का मैं